नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें इरफान पठान का। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके और वक्त हो चला है मोहब्बत टाइम्स का। इससे पहले कि आपको हम मोहब्बत की खबरें दिखाएं, आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांड्रा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बुलेटिन में शुरू करते हैं महोबा की हर एक बड़ी खबर। महोबा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनोज कुमार ने जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज एक बैठक की, जिसमें धर्मगुरुओं को भी शामिल किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी धर्मगुरुओं से कहा कि आपसी भाईचारा बनाए रखें और कोई भी ऐसी नई परंपरा न शुरू करें जिससे जनपद का माहौल खराब हो। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग अच्छे रास्ते पर चलें और शासन की गाइडलाइन का पालन करें तथा पॉलीथीन का प्रयोग ना करें और लोगों को भी पॉलीथीन का प्रयोग ना करने हेतु जागरूक करें। सभी धर्मगुरुओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि हम सभी अपनी परंपराओं को शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से निभाएंगे। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी अपनी समस्याएं रखीं, जिस पर उन्होंने समस्याओं के निस्तारण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सदर से कहा कि एक वार्ड की साफ सफाई कराकर उस वार्ड को आदर्श वार्ड बनवाएं तथा जिला अस्पताल में ड्रोन कैमरे भी लगवाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी आर एस वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक आर के गौतम, उपजिलाधिकारी सदर जितेंद्र सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी राम प्रवेश राय, शहर काजी आफाक हुसैन, समाज सेवी सत्य तिवारी दाऊ, रामजी गुप्ता सहित अन्य धर्मों के लोग भी मौजूद रहे। महोबा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात प्रभारी पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुए वाहन चालकों को जागरूक किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह के निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी यातायात राम प्रवेश राय के नेतृत्व में निरीक्षक यातायात अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ जागरूकता अभियान चलाया गया। यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत सड़क सुरक्षा सप्ताह के द्वितीय दिन यूपीएस आरटीसी महोबा के परिसर में एआरएम के साथ चालकों एवं परिचालकों के अन्य परिवहन कर्मचारियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही स्टेशन परिसर में खड़ी बसों में मिशन शक्ति से संबंधित पंपलेट व स्टिकर वितरित कर वाहनों पर चस्पा किए गए। यही नहीं, एआरटीओ द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए महोबा के साइंस इंटर कॉलेज पर जाकर कॉलेज के वाहनों की सघनतापूर्वक जाँच की गई, जिसमें वाहनों की फिटनेस, सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस सिस्टम, विंडो की जाली, प्राथमिक उपचार किट एवं पैनिक बटन की चेकिंग की गई और कॉलेज के प्रधानाध्यापक और वाहन चालकों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए जागरूक किया गया। यातायात नियमों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यही नहीं, इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा ऑटो ई रिक्शा वाहनों को भी चेक किया गया और 50 ई रिक्शा चालकों के चालान काटे गए। महोबा जिला अस्पताल में कमीशनखोरी का पनप रहा खेल। मरीजों को बाहर जांच कराने के लिए किया जा रहा मजबूर। पारस डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच के लिए भेज रहे सरकारी डॉक्टर। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा गरीबों को मुफ्त बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की है, मगर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों की मनमानी सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। बात महोबा जिला अस्पताल की करते हैं, जहाँ पर तैनात डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जेब में ही डाका डालने का काम चल रहा है। जिला अस्पताल में आने वाले गरीब तबके के मरीजों को निःशुल्क इलाज की उम्मीद रहती है, मगर यहां तैनात डॉक्टरों द्वारा कमीशन खोरी का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि गरीबों को सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है। यूं तो पूरे जिला अस्पताल में बाहर की दवाएं लिखने का सिलसिला और जांच के नाम पर प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में मरीजों को जबरन भेजने के मामले सामने आते रहते हैं, मगर अब तो जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी आने वाले मरीजों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर बाखूबी धन कमा रहे हैं। कमीशन कमाने की लालसा में डॉक्टर फ्रैक्चर के मरीज का भी खून जांच कराने से नहीं हिचकिचा रहे। जनपद के धवारी गांव निवासी असेंद्र कुमार बताता है कि हादसे में घायल हुई वह अपनी बुआ गंगी को लेकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड आया, जहां डॉक्टर द्वारा उसके पैर में फ्रैक्चर बताया गया और उससे एक्सरे के अलावा खून की जाँच कराने के लिए जिला अस्पताल से बाहर संचालित पारस डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा गया, जहाँ उसे 950 रुपये देने पड़े। बड़ी अजीब बात है कि महिला के पैर में फ्रैक्चर है और डॉक्टर उसकी खून की जाँच करा रहा है, जबकि जिला अस्पताल में सभी प्रकार की जांच व्यवस्था मौजूद है। इसके बावजूद भी अस्पताल के बाहर संचालित प्राइवेट पैथोलॉजी और पारस डायग्नोस्टिक सेंटर मरीजों को भेजा जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के चलते गरीब तबके के मरीजों के साथ यह खिलवाड़ हो रहा है। क्या नाम है आपका? असेंद्र कुमार। अच्छा, कहाँ आए हो, किस परेशानी को लेकर आए? मैं धवारी ग्राम से आया हूँ और परेशानी ये है कि ये मेरी बुआ जी हैं जो राशन लेने गई थी और वहाँ पर जो राशन की बोरियाँ लगी हुई थी उनके खिसलने से इनके शरीर में काफ़ी चोटें आई हैं और ये पूरी दब चुकी थी, इसलिए इनका पैर में फ्रैक्चर हो गया है। कहाँ ले गए थे मरीज को? ये जिला अस्पताल में।
तो फिर यहाँ क्या किया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने एक्सरे की जांच मांगी है, रिपोर्ट बस। और कौन सी जाँच लिखी है? और एक CBC की जाँच लिखी थी, खून जाँच। कितने रुपए लगे इस जाँच में? 950। कहाँ पे करवाई ये जाँच? पारस डायग्नोस्टिक सेंटर में। किसने कहा था वहाँ कराने? डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने कहा? जी। कौन थे डॉक्टर? नाम नहीं मालूम। एक्सरे के कितने पैसे लगे? 950। क्या बजे अस्पताल आए थे? हम आए थे डेढ़ बजे के लगभग। अच्छा, खून की जाँच हो गई? हाँ। महोबा के बिलरही गांव में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। SDM, तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर CM योगी का बुलडोजर चल रहा है, मगर महोबा में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने में प्रशासन नाकाम है, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और ग्रामीण तहसील परिसर पर धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीण आरक्षित भूमि पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए जाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला जनपद के सदर तहसील क्षेत्र में आने वाले बिलरही गांव का है। गांव का प्रधान भैयालाल विश्वकर्मा के नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों ग्रामीण तहसील परिसर पर धरने पर बैठ गए। हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सभी ग्रामीण। सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने और उस पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर SDM, तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो को बर्खास्त किए जाने की भी मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि गांव की आरक्षित सरकारी जमीन को पूर्व प्रधान के पति द्वारा साजिश रचते हुए एक व्यक्ति को बेच दी गई और अवैध कब्जा करा दिया गया। पिछले 10 माह से इस मामले को लेकर ग्रामीण और वर्तमान प्रधान अधिकारियों की चौखट की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे को नहीं हटाया जा सका। भूमाफियाओं द्वारा खुलेआम सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा का निर्माण किया गया और इस मामले में आरोपियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। सभी बताते हैं कि शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा जरूर लिखा गया, मगर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करा रहे हैं, मगर महोबा का प्रशासन तो सरकारी जमीन को ही नहीं बचा पा रहा। जमीन पर हुए अवैध कब्जे को अभी तक बुलडोजर से नहीं हटाया गया, जिससे ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। क्या नाम है आपका? भैयालाल विश्वकर्मा। क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर आप धरने में बैठे हैं? पूरा मामला ये है कि हमारे ग्राम पंचायत की जो सरकारी ज़मीन है वो बंजर खाते में दर्ज है। कुछ भूमाफियाओं द्वारा उसको अवैध तरीके से षड्यंत्र रचते हुए विक्रय कर लिया, और विक्रय करने वाले हैं नीरज सोहरे और ये पूर्व प्रधान पति हरप्रसाद। इन्होंने बेची है, नीरज सोहरे द्वारा वहाँ कब्जा किया गया है, और ये मामला विगत 10-11 माह से बराबर चल रहा है। हमने SDM साहब को सुनाया, सबको सुनाया, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। उसी पीरियड में काम चलता था, हम DM साहब के पास पहुँचे, DM साहब ने काम को रुकवाया, DM साहब के पास फिर गए दोबारा, DM साहब ने इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके बाद कब्जा मुक्त आज तक नहीं ये लोग चला पाए। यहाँ हमें लगता है कि योगी जी का बुलडोजर कमज़ोर पड़ रहा है, और क्योंकि ये भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। अभी 11 तारीख में तहसील के कानून गो साहब एक हदबंदी करने गए थे, तो वहाँ कम से कम गांव के ग्रामीणों के सामने कह रहे थे कि जब नीचे से ऊपर तक के सारे अधिकारी पैसा लिए बैठे हैं तो तुम क्या कर लोगे, हम लोग तो वहाँ कब्जा करा ही देंगे। तो ये मामला चल रहा है, इन लोगों का पता नहीं चलता कि इन लोगों को भूमाफियाओं ने कितनी सारी रकम दे दी कि ये खड़े नहीं उतर रहे हैं। क्या लगता है प्रधान जी, किसके सामने बाबा का बुलडोजर बौना साबित हो रहा है? अब ये शासन प्रशासन के सामने दिख रहा है कि शासन प्रशासन उनको संरक्षण दे रहा है कहीं ना कहीं से, तब बाबा का बुलडोजर कमज़ोर पड़ रहा है। आपकी मांगे क्या हैं? मेरी मांगे तो ये हैं कि जब तक वहाँ से अतिक्रमण ना हटाया जाएगा और भूमाफियाओं को गिरफ्तार न करवाया जाएगा, और जो इस तहसील में बैठे हुए भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं, इनको बर्खास्त न किया जाएगा, तब तक हमारा अनशन बराबर जारी रहेगा। क्या लगता है FIR जो है सिर्फ खानापूर्ति के लिए की गई है? अब हमें तो यही महसूस हो रहा है, क्योंकि ना तो आज तक अतिक्रमण हटवाया गया है, जब जब इनसे बात करते हैं तो ये उल्टी धमकी हमको देते हैं। सर, एक तरफ योगी सरकार जो है अवैध कब्जों पर अतिक्रमण लगाकर बुलडोजर चलवाकर जो है साफ करा रही है, वहीं महोबा पर जो है एक गांव के जो है ग्रामीण प्रधान सहित धरने पर बैठे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया है। क्या है पूरा मामला?
वो जो ज़मीन है उसमें सरकार की बंजर और भूमिधरी साथ में है, तो एक आदमी उसमें से एक आदमी से बैनामा लेके घर बनाना प्रारंभ किया था, उसे रुकवा दिया गया है। उसमें उस पर सिविल कोर्ट का स्टे है, आज सुनवाई की तारीख थी, स्टे हटेगा तो वो गिर जाएगा। उसके विरुद्ध FIR भी कराई गई है, लेकिन सिविल कोर्ट ने स्टे दे रखा है। महोबा के फतेहपुर बजरिया इलाके में रहने वाली एक विवाहिता का आरोप है कि वह अपने ही पति की प्रताड़ना से परेशान है और इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दरअसल यह पूरा मामला महोबा के फतेहपुर बजरिया इलाके का है, जहां रहने वाली पिंकी अपने पिता के साथ पूरे मामले की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँची। वह बताती है कि उसका पति पिछले 15 साल से विवाह के बाद से ही उसके साथ मारपीट कर रहा है। उसका पति ब्रह्मपाल आए दिन मारपीट करता है और उसे प्रताड़ित करता है। इस मामले में स्थानीय पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण वह अपने बच्चों की परवरिश भी कर नहीं पा रही। ऐसे में पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करते हुए आरोपी पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाने की मांग की है। कहाँ की रहने वाली है? आज SP ऑफिस आई है, क्या मामला हो गया? पति मारता पीटता है, पुलिस वालों को बोलते हैं कि इनको बंद रखो तो वो छोड़ देते हैं, तुरंत पैसे ऐसे लेके छोड़ देते हैं और कुछ होता नहीं है। और कहते हैं हम कब तक बंद करें। तो अपने साल हो गए शादी, कब से मारपीट कर रहे हैं? 15 साल हो गए, 15 साल से बराबर मारपीट कर रहा। वो कहाँ जाएँ बता, आप ही बता दो कि हम कहाँ चले जाएँ। 3 बच्चे हैं मेरे छोटे, अगर हम ऐसे ही घूमते रहेंगे तो मेरे बच्चे ना मर जाएंगे घूमकर। थाने में शिकायत की आपने? हाँ, थाने में शिकायत की, उनने भी कोई सुनाई नहीं हुई। महोबा शहर के काजीपुरा इलाके में दहेज के लिए विवाहिता को किया जा रहा प्रताड़ित, पति 3 तलाक की दे रहा धमकी। दरअसल यह पूरा मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के काजीपुरा मोहल्ले से जुड़ा हुआ है, जहां विवाहिता को उसका पति और ससुराली इस कदर प्रताड़ित कर रहे हैं कि उसे ना तो भरपेट भोजन दिया जा रहा है और ना ही उसे ससुराल का सुख मिल पा रहा है। आए दिन दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। यही नहीं, दहेज की मांग को लेकर पति 3 तलाक की भी धमकी दे रहा है। पीड़िता को धक्के मारकर ससुरालियों ने घर से निकाल दिया, अब वो न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। अपनी पुत्री को न्याय दिलाने के लिए गरीब माता पिता SP की चौखट पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शहर के फतेहपुर बजरिया इलाके में रहने वाले वली मोहम्मद ने 4 अप्रैल 2021 में अपनी पुत्री आसमा का विवाह काजीपुरा मोहल्ला निवासी कमाल अहमद के साथ किया था। दिल्ली में मजदूरी करने वाले पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार शादी में तकरीबन 7 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन आरोप है कि शादी के बाद से ही कमाल अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा, जबकि सास नंद भी आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी। पिता रोते हुए बताता है कि हद तो तब हो गई जब उसकी पुत्री को भरपेट भोजन तक नहीं दिया गया। उसके गर्भवती होने के बाद से उसे और अधिक प्रताड़ित किया जाता रहा, लेकिन शादी के बंधन को निभाने के लिए पीड़िता यह सब बर्दाश्त करती रही। पति और ससुरालियों की दहेज की मांग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पीड़िता उसका पिता बताते हैं कि बीते दिनों भी पति ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की और 2 लाख रुपए दहेज में लाने की मांग की। पीड़िता ने अपने पिता की गरीबी की दुहाई दी, मगर पति का दिल नहीं पसीजा और वो दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक की धमकी देने लगा। आरोप है कि उसे मारपीट कर घर से धक्के देकर भगा दिया गया और वो रोती बिलखती अपने माँ बाप के पास पहुँची है। स्थानीय पुलिस से कोई न्याय न मिलता देख उसने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर गुहार लगाई है। SP ऑफिस आया, लड़की को बड़ा तंग कर रहे हैं साहब, क्या बताए, 1 साल से परेशान इतना करा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। पैसे मांग रहे हैं, लड़की को डिलीवरी के टाइम पे इतना परेशान किया गया, टॉर्चर। मैं बस बच्चे का वो इलाज करा रहा हूँ, लड़की का इलाज करा रहा हूँ, मजदूरी करता हूँ दिल्ली में। कब शादी की थी आपने, कहाँ शादी की थी? 4 अप्रैल को करी थी, काजीपुरा में, महोबई में। हमें बजरिया किसके यहाँ शादी की थी आपने? हमने की थी बशीर अहमद, उसका लड़के का नाम कमाल अहमद। उससे मारपीट कर रहे हैं आपके बच्चे? बस पे एक ही विदा में उनके बाद पर मैं गया। मैंने कहा भैया मैं मजदूर आदमी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पहली कर्जा है 3-4 लाख रुपए, मैं कैसे दूँ आपको। मेरे को फिर मेरे बच्चों को फोन किया, मेरे बच्चों को गाली बकी, दोनों बच्चों को मेरे। थाने में जी आज रिपोर्ट करने गया मैं, मेरे को डांट के भगा दिया उधर से, कोई सुनाई नहीं हुई मेरी। आज मैं SP ऑफिस में आया इसीलिए कि मेरी सुनाई हो, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँगा।
क्या मामला हो गया? मेरे मार रही है सास, आदमी मारते हैं, कहते दहेज लेके आओ, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। डिलीवरी के टाइम मुझे ये पेट में था, सड़ा भुसा खाना देती थी। कब शादी हुई थी आपकी और कहाँ शादी? और 4 अप्रैल को शादी हुई थी काजीपुरा में। किसके साथ शादी? कमाल अहमद के साथ। क्यों मारपीट कर रहे हैं? कह रहे हैं दहेज लेके आओ अपने घर से, अपने घर से पैसे लेके आओ। और मेरे बाप ने 7 लाख रुपए की शादी की थी, बाकायदे उसकी रसीद हर कुछ रखा है घर में, वीडियो है, हर चीज़ है। कौन कौन मारपीट करता है? आदमी मारपीट करता है, सास करती है, नंद गालियाँ बकती है, सड़ा भुसा खाने को देती है। इस मामले को लेकर थाने में शिकायत की? हाँ, थाने में की, थानेदार ने उल्टा हमें डांट के भगा दिया। आज कहाँ आए आप शिकायत लेके? इधर आए हैं SP के पास। महोबा जनपद के महोबकंड के पास साइकिल सवार एक बच्ची को बचाने के प्रयास में बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पिता पुत्र सहित 3 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला महोबकंड का है। बताया जाता है कि अमर पुत्र खुमान अपने पुत्र नमन और अपनी बहू नीलम को बाइक में साथ लेकर उमरई गाँव से एक विवाह कार्यक्रम कर वापस लौट रहा था। तभी महोबकंड के पास अचानक एक साइकिल सवार बच्चा बाइक के सामने आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तीनों बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए महोबा जिला अस्पताल लाया गया है और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में सभी का इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि सभी घायल महोबकंड थाना क्षेत्र के टोला पातर गांव के रहने वाले हैं। 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या है मामला? अभी 3 व्यक्ति जो घायल अवस्था में यहाँ पर लाए गए थे, तो उनका यहाँ पर जो भर्ती कराया गया उसमें 2 पुरुष थे, 1 महिला थी। उनको जो यहाँ पर एक्सरे वगैरह करवाने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया, इलाज चल रहा है अभी, ये जो हालत खतरे से बाहर है। महोबा टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और आपको दिखाएंगे महोबा जनपद के हर एक ब्लॉक और गांव की हर एक बड़ी खबर। नमस्कार।